तो स्टूडेंट, आज जिस लेक्चर में हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल चैप्टर के। इसमें हम लोग आज राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं एक तरह से यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में देखा जाता है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ा डिफरेंट होता है। दूसरी बात कि जो राइबोसोम है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल एंड ऑल्सो एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल। अब देखिए, इसमें ये जो टर्म है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए राइबोसोम की डिस्कवरी तभी पॉसिबल हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया। ठीक है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरी बात ये कि ये नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। इट इज नेकेड सेल ऑर्गेनेल। नेकेड सेल ऑर्गेनेल का मतलब है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, दैट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, दैट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, राइट। तो कोई भी मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं पाया जाता, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग नेकेड सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम जब हम देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में, तो उनमें एक बेसिक सिमिलरिटी होती है, वो ये है कि जो राइबोसोम है वो बना होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन से, राइट। राइबोसोम बना होता है किससे? आरआरएनए और प्रोटीन से। ये दो चीजें मिलकर राइबोसोम को बनाते हैं। जब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम को, तो स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं। एक जिसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा है यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है, जिसमें से एक जिसको हम लोग कहते हैं 30S और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं 50S सब यूनिट। इन दोनों को मिला के 70S राइबोसोम का निर्माण होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। जबकि यूकैरियोट में जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 40S टाइप का है और जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S टाइप का है। और इस प्रकार से यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से कि 30 और 50 मिलके तो 80 हुए और 40 और 60 मिलके तो 100 हुए, तो फिर हमने 70 और 80 क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो S का मतलब है, S का मतलब यहाँ पर है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, या इसी को हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल में डिनोट्स द साइज एंड डेंसिटी, डिनोट्स द साइज एंड डेंसिटी, यानी इस बात को बता रहा है कि जब अकेले होगा तो स्पिन करने पर कितने राउंड पर सेकेंड में स्मॉलर वाला सस्पेंड कर जाएगा, कितने पर लार्जर वाला सस्पेंड कर जाएगा, और जब दोनों एक साथ रहेंगे तो कितने राउंड पर सेकेंड पर वो नीचे सस्पेंड होंगे घुमाने पर। तो ये इस तरह से
ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है जिसके आधार पर उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम को बांटा है। फर्दर जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये जो राइबोसोम्स है इनके 30S में और 50S में अलग अलग तरह के RRNA पाए जाते हैं और उससे लेकर जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो राइबोसोम ये 70S वाला है इसके लार्जेस्ट सब यूनिट में एक 23S RRNA पाया जाता है, 23S RRNA पाया जाता है। ये 23S RRNA एक्ट करता है एक्ट एज एंजाइम called ribozyme, ठीक है। इसी तरह 80S के अंदर इसमें 28S RRNA होता है और ये भी as ribozyme काम करता है। ribozyme का मतलब यहाँ पर है जब RRNA act as enzyme, बात समझ गए। तो ये PMT का एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 23S RRNA किस तरह से काम करता है, तो वो काम करता है as enzyme जिसे कहते हैं ribozyme। आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, लेकिन इस केस में RNA एंजाइम की तरह कार्य करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या होता है। तो अक्सर देखा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय में जो mRNA है, इस mRNA पर जो राइबोसोम्स हैं वो इस तरीके से एक लाइन से अरेंज हो जाते हैं, इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, ये mRNA है और ये राइबोसोम है। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें mRNA के स्ट्रिंग पर राइबोसोम कतार में लगे होते हैं इसे ही पॉलीसोम अथवा पॉलीराइबोसोम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, राइट। नीट में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राइबोसोम से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है कि राइबोसोम का ओरिजिन क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस इसको कहते हैं कॉल्ड एस राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी RRNA पाया जाता है, और आप जानते हैं कि राइबोसोम का मेन कंपोनेंट जो होता है वो RRNA और प्रोटीन होता है। तो RRNA और प्रोटीन दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसी के साथ PMT का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। एक बार एक PMT एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसी भी सेल का इंजन किसको कहते हैं, किसी भी सेल का इंजन किसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम इज इंजन ऑफ द सेल। क्या ये इंजन ऑफ द सेल, जैसे आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को आप किचन ऑफ द सेल कहते हैं, इसी तरीके से जो राइबोसोम है इसको कहते हैं इंजन ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं लास्ट में फंक्शन की। तो जो मुख्य कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का, वो होता है टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो बिना राइबोसोम के सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इतने तरह के क्वेश्चन राइबोसोम से आपसे पूछे जाते हैं, और
ये राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो हमने अभी अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है साइटोस्केलेटन। आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या है। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में एक स्केलेटल सिस्टम है, एक हड्डियों का एक ढांचा है जिसके वजह से हमारे बॉडी को शेप मिलता है, उसी प्रकार से सेल्स के अंदर भी प्रोटीनेसियस फिलामेंट होते हैं जो सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। प्लांट सेल में तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट के एक शेप को मेंटेन करता है, लेकिन एनिमल सेल में शेप को मेंटेन करने के लिए जो मुख्य भूमिका होती है वो इसी प्रोटीनेसियस फिलामेंट की होती है जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। हालांकि ये साइटोस्केलेटन जो प्लांट सेल है उनमें भी पाया जाता है। अब देखिए साइटोस्केलेटन क्या है, इसको कहते हैं प्रोटीनेसियस फिलामेंट, प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स दैट held the cell organelles at their places inside cell and involved in first maintaining shape of cells, motility of cell, तीसरा movement of cell, ठीक है। तो ये काम साइटोस्केलेटन करता है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि साइटोस्केलेटन ये काम करते कैसे हैं, क्या ये किस प्रकार से सेल के अंदर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है और आप उसका एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर यहां पर देखना चाहते हैं, तो अगर इसको कट किया जाए तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर रखा गया है, तो कैसे रखा गया होगा, तो इसी साइटोस्केलेटन की मदद से ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने जगह पर स्थिर होगा। बात समझ आई, तो ये जो आपको दिख रहा है कि अपने जगह पर यहाँ पर जो ये सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया वो होगा बाय द साइटोस्केलेटन। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को इधर से उधर कहीं होना भी है तो वो इसी साइटोस्केलेटन के मदद से ही हो पाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट जिस सेल ऑर्गेनेल की तरफ हम लोग देखेंगे वो है सीलिया एंड फ्लैजेला, दैट इज द सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला, देखिए जो सीलिया और फ्लैजेला है ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो स्ट्रक्चरली बोथ आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर,
अब डिफरेंस क्या है सीलिया इज स्मॉलर एंड फाउंड इन लार्ज नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ने कभी पैरामीशियम का स्ट्रक्चर अगर देखा होगा तो आप याद कीजिए कि पैरामीशियम के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन बाहर की तरफ आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ऐसे दिखते हैं वो क्या है, दीज आर सीलिया। ये सीलिया है, राइट, ये सीलिया है। इसको कहते हैं परफॉर्म पोर्स लाइक कोऑर्डिनेटिंग मोमेंट। अब ओर लाइक कोऑर्डिनेटिंग मोमेंट का मतलब क्या है, ओर का मतलब जो होता है वो होता है पतवार, जो नाव की पतवार होती है। आप देखे होंगे कि जो नाव होता है उसको चलाने वाले इन पतवार को क्या करते हैं, एक साथ एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, एक साथ एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक ही डायरेक्शन में इस नाव को लेके और जाते हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में सभी के सभी। ऐसे जो हमारा सीलिया है वो सारे सीलिया एक ही तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं ओर की तरह से ये कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट कहते हैं। लेकिन ये तो सीलिया था जो स्मॉलर था और लार्ज नंबर में था। व्हाट अबाउट द फ्लैजेला, अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर, जनरली एक या दो ही होते हैं, लेस इन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा होगा अबाउट क्लेमाइडोमोनास, तो इस क्लेमाइडोमोनास को अगर आप याद करें तो क्लेमाइडोमोनास में इस तरह से दो लॉन्ग फ्लैजेला निकले हुए थे, ठीक है, और ये भी लोकोमोशन काम करते थे, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करते थे, लेकिन ये फ्लैजेला साइज में बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं, राइट। तो बात समझ में आ गई कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनली सीलिया और फ्लैजेला दिखने में होते कैसे हैं, या उनका एनाटॉमी क्या होता है एक तरह से, या इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जो सीलिया और फ्लैजेला है एक्चुअल में दोनों बनते किससे हैं, तो दोनों के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक डायनिन प्रोटीन होता है उससे बना होता है। अगर हम किसी सीलिया और फ्लैजेला जो कि सिलेंडर स्ट्रक्चर है उसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर हमको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो बिल्कुल सर्कुलर होगा। इसमें सबसे बाहर जो हमको दिखेगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिखेगा, इसमें हम लोग को बिल्कुल सेंटर में जो आप देखेंगे इस तरह से एक सेंट्रल हब होता है जिसमें कि दो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें आपको मिलेंगे जो एक दूसरे से एक ब्रिज द्वारा कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ आपको दो दो के पेयर में माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो संख्या होगी, हम इसको आपके लिए क्या करते हैं पूरा ऐसे घेर देते हैं, ये एक सेंट्रल हब है। इस तरह से आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात
और नौ, नौनों के आपको ऐसे जोड़े दिखाई देंगे, राइट। ऐसे आपको ये जोड़े में माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। दीज आर द पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये पेयर ऑफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट होते ही है, उसके साथ ये देखिए इस प्रकार से वो एक इंटरट्यूबुलर ब्रिज के द्वारा भी जुड़े रहते हैं ऐसे, राइट। इंटरट्यूबुलर ब्रिज के द्वारा इंटरकनेक्टिंग ब्रिज, राइट। और ये क्या है जो आपको दिख रहा है, वो है पेयर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स, पेयर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इनके अगर आप गिनती करेंगे तो कितने होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 9 ऐसे पेयर होते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब है, इसमें आपको क्या मिलेगा, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, सेंट्रल ट्यूब्यूल, और बीच में ये आपके है ये कनेक्टिंग ब्रिज, कनेक्टिंग ब्रिज, राइट। इसी के साथ साथ जो ये पेयर है उनमें से एक इस सेंट्रल हब से भी ऐसे जुड़ा रहता है, और इसको कहते हैं हम लोग रेडियल स्पोक, राइट। तो ये जो आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये कहलाता है रेडियल स्पोक। दिस इज द रेडियल स्पोक, पास समझ में आई। इस तरह से इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कह सकते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी टोटल संख्या कितनी हुई, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हो जाएगा 9 पेयर प्लस 2, 9 पेयर प्लस 2 इक्वल टू 18+2 इक्वल टू 20। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये बने होते हैं मेड अप ऑफ अ डायनामिक प्रोटीन जो मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, डायनिन एंड ट्यूबुलिन, ठीक है। ट्यूबुलिन इसमें मेन होता है, यानी कि मुख्य प्रोटीन जो है इसमें क्या है, ट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। हालांकि हम लोगों ने जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पढ़ा था उसमें प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ था, जबकि यहाँ पर जो फ्लैजेला होगा वो बना होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला। अंदर से दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, सीलिया और फ्लैजेला। जो इसमें अंतर पाया जाएगा वो अंतर होगा इनके साइज और इनकी संख्या के हिसाब से। अब हम लोग इस चैप्टर में एक और स्ट्रक्चर बारे में पढ़ रहे हैं, जो आज के लेक्चर में लास्ट हम लोगों का टॉपिक होगा, वो है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स,
देखिए जो सेंट्रोल या सेंट्रोसोम है ये पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर, फाउंड इन एनिमल सेल्स, फाउंड इन एनिमल सेल्स यानी प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। दूसरी चीज कि इनका काम क्या होता है, दे फॉर स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू ब्रिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू ब्रिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जिससे क्रोमोसोम को मूव कराया जा सके। अगर आप एक सेल को देखेंगे ध्यान से तो सपोज ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, तो आपको यहाँ पर सेंट्रोसोम दिखेगा, सेंट्रोसोम राइट। अब अगर इस सेंट्रोसोम को आप देखें तो इस सेंट्रोसोम में आपको दो परपेंडिकुलर अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल्स, दीज आर सेंट्रियोल्स, और पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अरेंज्ड परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर टू ईच अदर राइट। ये आपका सेंट्रोसोम है, यानी एक सेंट्रोसोम में आपको पेयर ऑफ क्या मिलेंगे, सेंट्रियोल, ठीक है, और कितने पर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर अरेंज होगी। ये जो मैट्रिक्स आपको चारों तरफ दिखेगा इसको कहते हैं सेंट्रोस्फीयर, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोस्फीयर, दिस इज सेंट्रोस्फीयर। तो ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। अब हमें जो पढ़ना है वो इस सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो जो सेंट्रियोल होता है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर की तरह से दिखाई देता है, और हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। सेंट्रियोल वास्तव में बिना किसी मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्ट व्हील लाइक होता है। कार्ट व्हील मतलब आप देखते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होता है या जो बैलगाड़ी होता है उसका जो पहिया होता है उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, पहली चीज ये सिलिंड्रिकल नेकेड ऑर्गेनल है, सिलिंड्रिकल नेकेड ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल नेकेड ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन शो, ये पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर यानी घोड़ा गाड़ी के पहिए की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि एक बिल्कुल सेंट्रल हब होगा, दिस इज अ सेंट्रल हब, और इसके चारों तरफ पेरीफेरी में ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, और इनकी संख्या वैसे ही 9 होती है जैसे कि हम लोगों ने देखा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये वैसे ही 9 इनकी संख्या होती है जैसे कि हम लोगों ने सीलिया और फ्लैजला के एनाटॉमी में देखा था। लेकिन अंतर क्या है कि सीलिया और फ्लैजला में ये पेयर में पाए जाते थे, जबकि यहाँ पर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाएंगे, राइट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। इसमें होता क्या है कि ये एक दूसरे से इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है, और मिलके कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इनको नाम दे दें ए बी और सी ट्यूब्यूल्स, राइट, अगर मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया, क्या इसको हमने नाम दे दिया ए, सपोज जो यहाँ बना है उसको ए बी और ये सी,
ठीक है, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। तो इनको ए बी सी, तो ए का ए दूसरे के सी के साथ कनेक्ट करता है, तो इसको कहते हैं इंटरकनेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग ब्रिज। और ये जो सेंट्रल हब है, बिल्कुल ये सेंट्रल जो आपको दिख रहा है, सेंट्रल हब है, जैसे गाड़ी के पहिए में एक सेंट्रल में हब होता है जिससे तिल्लियां जुड़ी होती हैं, उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी इस तरह से तिल्लियां लगी होती हैं। और ये तिल्लियां यहाँ पर, इनको हम लोग रेडियल स्पोक, राइट, ये यहाँ पर भी देखिए आप ऐसे, ये आपको दिखेगा, ये रेडियल स्पोक गाड़ी के पहियों के तिल्लियों की तरह से सेंट्रल हब से जाकर क्या होती हैं, ऐसे जुड़ी रहती हैं, राइट। तो दिस इज द रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, किसका, सेंट्रियोल का, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे जो अब हम लोग का जो लास्ट लेक्चर आएगा इस चैप्टर सेल का, उसमें हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।